महाराज, एक बात का ध्यान रखना, कि कहीं पे भी अगर सत्संग चल रही है तो शास्त्र कहता है कि आप बिन बुलाए सत्संग में जाओ। बुलाने से दुनिया जाती, बुलाने से कई लोग जाते हैं, पर बिन बुलाए जो भगवान की कथा में जाता है, सत्संग में जाते हैं, उनको हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है। बुलाने से तो दुनिया जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। और दूसरे नंबर, अगर किसी की मृत्यु हो जाए और आपको पता चल जाए कि हमारे आसपास में किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसकी अंतिम यात्रा में जरूर जाना, क्योंकि महाराज जो अंतिम यात्रा में जाते हैं उनको लाखों तीर्थों का फल मिलता है। फर्क इतना ही है कि वो चला गया और हम लोग लाइन में खड़े, इतना ही फर्क है, दूसरा कोई फर्क नहीं है। वो चला गया और हम लोग लाइन में खड़े, उनका कंफर्म हो गया और हमारा वेटिंग में भी। और तीसरे नंबर की बात, अगर कहीं रास्ता निकल रहा है और आपका खेत बीच में आ जाए, गांव वालों को जाके हाथ जोड़ के बोलना कि भैया मेरे खेत में 12 फुट का रास्ता मत निकालो, तो मेरे खेत में 24 फुट का रास्ता निकालो। कि क्यों भैया? कि भाई मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा पोता मर जाएगा, करोड़ों पीढ़ियां चली जाएगी, पर जब तक धरती माता रहेगी, ये ब्रह्मांड रहेगा, तब तक ये मार्ग चलता रहेगा, इसके लिए मैं इसको रोकने वाला नहीं हूं। अच्छा आदमी को, ज्ञानी आदमी को ज्ञान हो जाता, उसको कहते हैं विवेक। उसको पता चल जाता कि मेरे पास में चाहे 50 बीघा जमीन है, चाहे 100 बीघा जमीन है, मुझे लास्ट में सिर्फ 6 फुट जगह मिलेगी, इसके ज्यादा नहीं मिलेगी। महापुरुषों, नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु है जगत में तेरी, अगर तेरी है तो तेरे साथ में ले जा भैया, पर हो तो हमारा कुछ भी नहीं है महाराज। तन से कपड़े निकाल दिए जाते लास्ट में, फिर भी आदमी पता नहीं किस सपने में जीता, ये सपना ही तो है, सारा सपना था आपका, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और जैसे श्वास टूटी सब यहीं रह गया महाराज। अच्छे आदमी ने रास्ता दे दिया, और अब बुरा आदमी क्या करते हैं, हमारी भाषा में उसको कहते हैं डेड होशियार। वो क्या करता है, उसको पता चल जाए मेरे खेत में रास्ता निकल जाएगा, तो महाराज वो कानून जानता है, धाराएं जानता है, वो जाता है और कानून के तरीके से स्टे ऑर्डर लाके लगा देता है, फिर बोलता है अब देखो मैं कितनी धाराएं जानता हूं। अरे भगवान वाह। फिर आदमी वो बूढ़ा हो जाता है, सड़ जाता है, टाकियां पड़ जाती हैं, पर उसके शरीर में से प्राण नहीं निकलते महाराज। फिर उसकी औलाद कहती है भगवान मेरे पिताजी को ले जा, मैं 25 कबूतरों दाना नेक दे। भगवान बोले रे ने पापी रे नाम रे दाना कौन खाई रे भाई, पिताजी रे नाम रो चारो नेक दे। बोले गाया चारो नहीं खावे, मैं प्याऊ भरवाई दे। भगवान बोले कोई नॉम पढ़ दियो ने माते तो मटका भोड़न जाई, क्योंकि धर्मरा काम गणा करियो नात्रा। हे महापुरुषों, ऐसी कमाई करना, अब वो पड़ा पड़ा सड़ रहा है, प्राण नहीं निकल रहे, आखिर में औलाद कहती है भगवान मेरे पिताजी को ले जा बस, पर वो मरता ही नहीं महाराज। इसलिए ध्यान रखे जिंदगी के अंदर, जब तक जिंदा हो तब तक आप अच्छे काम कर सकते हो, मरने के बाद में कुछ भी होने वाला नहीं है महाराज। सुबह से लगाकर शाम तक पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हम लोग,
और हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी कैसी बताएं, सुबह की सुबह में पेपर की कितनी इज्जत होती है भाई, अखबार की सुबह में कितनी इज्जत होती है। एक आदमी छोड़ेगा दूसरा एकदम लाएगा, मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा पेपर की वैल्यूएशन खत्म होती रहेगी, और शायद शाम होते होते वो रद्दी में बदल जाएगा। जिस पेपर के लिए सुबह में लोग लाइन लगा के खड़े थे, वही पेपर शाम को रद्दी बन जाता है महाराज। और चौथे नंबर की बात याद रख जो कि कदी खेतरी माट आवे नहीं पाली, उनमत हल मती चलाई जो, हल खड़े पाली तोड़े बेन भाई गर्वास करे, इतरा पाप सु वरसाद नहीं आवे, व्यती गंगा बंद हो जावे, वेरों में पानी सूख जावे, और मिनक थारे पीवना फोड़ा पड़ जावे, टैंकर सु तू पानी नेकावे। महाराज हमें तो रात रात ट्रैक्टर खड़ावे जने कहीं के थोड़ो दब्बा ही नावण दीजे, अब तारी हाथ पीढ़ी तो दब गई अटे, हाल तो थारे भलो नहीं रियो। अरे महाराज कुछ मत करो, यज्ञ मत करो, जप मत करो, आप अपनी नीति साफ कर लो बस। जैसे ही आपकी नीति साफ हुई दसों दिशाएं आपके लिए शुभ हो गई महाराज। अपोजित बारे देखो ना, जेड़ा माए फूटरा नहीं हो, बारे इतना फूटरा दिखे रहा पर माए ए बमरा बम पड़िया, इतनी तो ओंटियों खावे लोग, इतना बिगाड़ा करे अनके मैं राम जी रा भजन करो। अरे क्यों फॉर्मल्टी करे रे, क्यों मेकअप लेन फिरे, पौड़ी रो सोटो पड़ियो तो आदो कालो ना आदो धोड़ो दिखी तू, थारी ओरिजिनलिटी हमें अजी, पण क्या करे, भगवान को उल्लू बनाने चलते और भगवान उल्लू बनने वाले नहीं है महाराज। एक बात रो ध्यान रख जो, सत्संग में आप पधारे हो तो सत्संगी बन के आना, अहंकार लेके मत आना महाराज। जो अहंकार लेके आते ना उनको कभी सत्संग में, महाराज एक बात समझ में नहीं आती, सत्संग में सारे लोग जाते पर सत्संग आपके जीवन में क्यों नहीं जाती, ठा पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो, सत्संग में आप जाते हो, आप में सत्संग क्यों नहीं जाती। अटे भजन भगवान ना भजन सुनो ने फिर आप अपशब्दों का प्रयोग कैसे करते हो, ये मुझे समझ में नहीं आता महाराज। कई लोग बुढ़े हो गए सत्संग सुन सुन के, रोज के कटे गयो सत्संग रे मायने गयो, भाषा सुधरीज कोनी भी नहीं, बोलने रा तरीको नहीं सुधरियो, विनो व्यवहार नहीं सुधरियो, विना मायला लक्षण नहीं सुधरिया, तो क्यों भाई क्यों नाटक करो महाराज, क्यों दुनिया को उल्लू बनाते हो। तो महाराज कहीं पे भी सत्संग में जाओ जय बोलनी जरूरी है, और जय दो प्रकार की, एक तो के जय हो मतलब मैं जाऊं हूं, क्योंकि मारा पाप आडा फिरगा। पापी लोग सत्संग में नहीं बैठ सकते महाराज, उनका मन नहीं लगता। और आपको आप सबको पता है कि बगीचे में से बगीचा होता है उसमें फूल होता है, फूल में से रस कौन पी सकता है, बवरा। और वट इस गिंडोला ने सोडियो रो तो वो रस पी सके, गिंडोला रे वसरी बात नहीं है कि बगीचा मुंह रस पी सके। उन्हीं प्रकार इन सत्संग रूपी बगीचा में ज्ञान रूपी फूल माऊ भक्ति रूपी रस तो कोई महाराज कोई बिरलोज पी सके। और दूसरी जय रेवे, जैसी जय बोलो आप आपरे पाड़ोसी रो मुंडो देख पसे जय बोलनी। लोग कहते क्यों महाराज, क्योंकि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, जिसको पाड़ोसी अच्छा मिल गया। और जिन्हें पाड़ोसी बढ़िया मिल गो महाराज वो स्वर्ग लोक में जी रहा है, और जिसको पाड़ोसी खड़ूस मिल गया वो नरक लोक में जी रहा है। हमें थोड़ो जीव जोन तो इरेक थेकटे जीवे रिया हूं, मायलो जोने ही जेक मैं कटे जीवे रही हूं, मने पाड़ोसी क्याडो मिलियो है, या फिर मैं पाड़ोसी रे क्याडो मिलियो हूं। महाराज खेतरो पाड़ोसी बढ़िया मिल गो रहे ना तो चार दिन कटे गौमत्रो करो कोई खतरो नहीं है, और खड़ूस मिल गयो रहे ने तो बेटो रात रा हेरी खोल गांव रा डंडा मां ले जान बाल पछे कहीं के बलगा बलिया को नहीं बेटो लायो घेर घेर, क्योंकि विने टेंशन रहेगी कि ने मोटा मोटा हिटिया क्यों आएगा, इतनी फसल अच्छी क्यों रहेगी, रात रा नींद ही नहीं आवे। और दुकान रो पाड़ोसी बढ़िया मिल गो रहे ना तो कहीं कहो हेठ जी दो मिनट ध्यान रख जो मैं घरे जान पास हूं,
तो बीच में कोई घरा कहो रहे तो भी नहीं, रोक के सेठ जी 2 मिनट रुको, सेठ जी वापस आ रहे हैं। अन खड़ूस मिलियो रहे तो कहें के भैया वो 3 घंटे नहीं आएंगे, वो बाहर गए, विंठाए कि नहीं धंधो रे जी। और कठी यात्रा करो बेंगलोर मद्रास कठी जाओ, और ट्रेन रे मायने अगर सीट माते पड़ोसी बढ़िया मिलगो रहे ना तो मद्रास बेंगलोर कणी आवे ठाई नहीं पड़े। अन कोई खड़ूस मिलगो रहे ना बा भूल में ही अड़गा रो मैंने भूल में, तो कहीं के ओए डोंट टच मी महाराज, इतो दोरो लागे वो नीचे उतर जने जीव में जीव आवे कि अबे हेटो उतरियो हमें ध्यान मिटी। और कोई कोई पड़ोसी अड़ा मिले कि महाराज जीव नीचे उतरे के आंखें में आंसू आ जाओ महाराज के, 2 स्टेशन और आगे हालता तुम्हारे टाइम पास अच्छो रहतो। हे महापुरुषों मीनक बनो तो ऐडा बन जो कि 4 दिन अगर आप किने नहीं दिखो तो किनी आंखें में आंसू आ जावे, और 50 जनों ने वो पूछ ले कि भाई भगवान जी दिखे कोनी रे, आवड़े कोनी, बेकार लागे रियो, वनो बिना तो गांव हुनो रह गयो, आ घड़ी हुनी रगी, वो मोहलो हुनो रह गयो, वो चोरायो हुनो रह गयो। एड़ा मिनक बन जो, एड़ा मती बन जो के बा कट गया, बा बेंगलोर गियो जन की, और 2 महीना होरा काट आगा, एड़ा मत बन जो महाराज। पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और एक ध्यान लगना जो हंस लेता ना उसको हार्ट अटैक नहीं आता, वो तो नहीं हंसे नहीं भी नहीं देने महाराज। कई लोग के हेड जी गया गया कहीं बम बोल गो उन तो फूट का मायनो ब्लास्ट रह गया। अरे हंसने से खून पतला होता है, और पतले खून वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं है। ये जब भी ये फोटो वाले फोटो निकालते हैं ना, फोटो निकालने के 1 सेकंड पहले हमको क्या कहते हैं भैया स्माइल प्लीज, फोटो निकाल देते, फोटो अच्छा आता है। और एक बाप फोटो किचन फोटो वाले के इधर आओ के कहीं रियो के तने 1 रिव्यू नहीं दू के क्यों के मारो फोटो एडो क्यों आयो, जने क्यों बा मैं फोटो खींचो ना जने पाडा जी थे उबा मैं को बोने। व्यवहारिक बात है, मुंडो तो थो बिगाड़ियो, मैं थोड़ी बिगाड़ियो। तो महाराज इन कैमरों इतो डर लगे तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड को देखने वाला कैमरा मेरे राम का लगा है, उस परमात्मा का कैमरा लगा है, उससे जरूर डरना महाराज, क्योंकि कोई नहीं देखता वो जरूर देखता है महाराज। आप कहीं हो चो कोई नहीं देखे, अरे कोई नहीं देखे, तू तो देख रही हो, तू तो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। एक ध्यान रखना, तो थोड़ा आनंद ले लो, और थोड़ी देखिए महाराज, एक मैं पहले यहां पर पगे पड़ जाऊं, मैं बोलता अच्छा नहीं हूं, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, झूठ बोलने की आदत है नहीं। भगवान को एक ही बात चैलेंज की हुई है, हे भगवान जिस दिन मेरी जबान से एक झूठ निकल जाए उसी दिन मेरी जबान में कीड़े पड़ने चाहिए, मुझे असत्य से नहीं जीना जीऊंगा, ओरिजिनल जीवन जीऊंगा, नहीं तो जीवन को खत्म कर दूंगा महाराज, कोई मतलब नहीं जीवन का। चलो एक बार हम भगवान के चरणों में जाते हैं और ईश्वर को याद कर लेते हैं। थोड़ा हमारा शब्द थोड़ा चुभता है पर सत्य है महाराज, और सत्य कहने से मैं कभी डरता नहीं हूं महाराज। सत्य मेरा जीवन है, सत्य मेरी सत्संग है, सत्य मेरी तपस्या है, ये तो मेरी माला है, यही मेरा यज्ञ है, ये मेरा तप है, ये मेरा जप है, यही मेरा सब कुछ महाराज, यही मेरे सच बोलना। और आपने ध्यान है हाच बोलना दोरो गणो है, ध्यान रख जो समूह मोटो काम कोई हाच बोले ही को नहीं, और हाच बोल जावे तो विनो कल्याण। अरे भाई हो झूठ बोलने बढ़िया, एक हाच बोल दो देन मीठे, समझ में आई ना क्या नहीं आई, 100 झूठ बोलोगे इससे बढ़िया एक सच बोल दे मेटो नहीं आगी, पर नहीं झूठ माते झूठ, झूठ माते झूठ, अन कदी कदी पछे ठा पड़नी है ने। तो महाराज चलो एक बार भगवान के चरण में जाते हैं और थोड़ा ईश्वर को याद करो, दोनों हाथ ऊपर करके जय बोलना, बोलिए श्री भगवान की, बोलिए पूर्णा जी महाराज की, बोलिए महादेव की, पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी माताओं बहनों की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। चलो थोड़ा भगवान को बुला देते, ईश्वर को बुला देते, क्योंकि परमात्मा आए हैं तो ही अपनों काम सिद्ध रेवे, निद्राज रेवे ने कोई काल नहीं।